नमस्कार, मैं हूं नाजमा खान और इस वक्त मैं हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में। और इस वक्त मैं हूं इस कैंप में जहां पर भारत जोड़ो यात्री रुके हुए हैं और मेरे साथ है जयराम रमेश। हेलो सर, आपका न्यूज़ क्लिक पे स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है और जिस बात को लेकर ये यात्रा शुरू की गई थी, आपको लगता है ये उस लक्ष्य को या उस बात के करीब है या उसने वो पा लिया है? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम सफल हुए हैं कि नहीं। सफलता हमने हासिल की है कि 111 दिन हम चले हैं, लगातार चले हैं। कई बाधाएं हमारे सामने डाली गई थी केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों की ओर से, खासतौर से बीजेपी शासित प्रदेशों में, पर उसका हमने सामना किया और 111 दिन हम लगातार चले हैं कन्याकुमारी से, तो वो एक सफलता हासिल की। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, आर्थिक विषमताओं के बारे में हम बोल रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में हम बोल रहे हैं, राजनीतिक तानाशाही के बारे में हम बोल रहे हैं, वो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम सफल हुए हैं कि नहीं। हम जनता को उजागर कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमारे समाज के सामने चुनौतियां हैं, हमारा लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये लंबा समय तक ये जंग चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, पर हमने शुरुआत की, तो उस नज़रिए से अगर आप देखें, हम सफल हुए हैं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई में उतरी है। अभी तक हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने राजनीति को सिर्फ चुनावी चश्मे से देखा, पर ये चश्मा सिर्फ चुनाव को देखने के लिए नहीं है, हमें विचारधारा को भी देखना है। और आज देश के सामने दो विचारधाराओं के बीच में टक्कर, एक आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरे कांग्रेस की विचारधारा। तो ये 5 साल लगेंगे, 10 साल भी लग सकते हैं, पर इसमें हमें कूद पड़ना है, हमें सक्रिय होना है। और उस नजर अगर उस अंदाज से अगर आप देखें, हम सफल। सर, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे आपने बोला कि ये विचारधाराओं के बीच का जो टकराव है, अब तो वो विचारधारा जिसको, मतलब मैं सीधा बोल देती हूँ, आरएसएस वाले भी जो हैं अब इस यात्रा को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? स्वागत है, अच्छा है कि आरएसएस के कई लोग, मोहन भागवत सभी लोगों से मिल रहे, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मिले, अभी राम जन्मभूमि वो अयोध्या ट्रस्ट मंदिर के महंत, वीएचपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, अच्छा है, स्वागत है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो भारत जोड़ो, पर मुझे, मैं कभी हंसता हूँ, पर ये देखिए, ये व्यक्तिगत तौर से तो हमारा स्वागत किया गया, पर आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में ज़मीन आसमान का फर्क। ये ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा अंतर है, नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ वो विचारधारा, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में विश्वास रखती है, अनेकताओं को दबाना चाहती है, अनेकताओं को सम्मान नहीं देती, अनेकताओं को पहचानती नहीं, अनेकताओं को जश्न नहीं बनाती है, और कहती है हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक विचारधारा जो कहती है कि अनेकता में एकता, न केवल अनेकता में एकता, पर हम कहते हैं अनेकता से एकता। अगर आप अनेकताओं को पहचानेंगे, अनेकताओं को जगह देंगे, सम्मान करेंगे, जश्न मनाएंगे, उसका नतीजा होगा एकता भी मजबूत होगी। तो ये दोनों, इन दो विचारधाराओं में समझौता कभी नहीं हो सकता। आरएसएस के कुछ लोग हो सकते हैं कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, अच्छा है, सकारात्मक संकेत है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि आरएसएस के सिद्धांत बदले भारत जोड़ो यात्रा के बाद। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस मेरा एक सवाल, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इसको इतना कम वक्त क्यों? यहाँ कन्याकुमारी है और यहाँ कश्मीर है और उत्तर प्रदेश यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों नहीं गए।
ये रूट तो ऐसा नहीं है ना, हम सीधा रूट निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर। हमारा मकसद था हम यहाँ शुरू करें, यहाँ पहुँचे 4 महीने में। अगर हम यहाँ जाकर ऐसे आएंगे 7-8 महीने लगते, तो यही तो एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं है कि राहुल जी पहले यात्रा नहीं किए हैं उत्तर प्रदेश में। भट्टा भूमि अधिग्रहण से लेकर उन्होंने यात्रा किया था, सद्भावना, सामाजिक सद्भावना के मुद्दे पर उन्होंने यात्रा निकाली थी। और हो सकता है इस साल कुछ महीने बाद हम पश्चिम से पूर्व को भी एक यात्रा निकालेंगे, जैसा कि ये भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर जाता है, एक भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम से उत्तर भी जाएगा, तब हमें उत्तर प्रदेश से जाना ही पड़ेगा। हम उड़ीसा में से नहीं गए, उड़ीसा में भी नहीं गए, बिहार में नहीं गए, पर अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। भारत जोड़ो यात्रा असम, भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा। आज 3 बजे, 5 तारीख है, आज 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत कर रहे हैं, बांका से बोध गया। भारत जोड़ो यात्रा यूपी भी निकाला जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा झारखंड निकाला गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण यही है कि कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए और वक्त लगता। तो हमने सोचा ये यात्रा इसी लाइन पर करें और ये यात्रा हम अलग से निकालें। तो ये थे जयराम रमेश, जिन्होंने बताया कि ऐसी यात्राएं और भी होती रहेंगी, जिसका फ़ायदा बेशक राहुल गांधी को होगा और कांग्रेस को भी होना चाहिए। शुक्रिया।